श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। वेलकम गाइस, आपके सामने मैं समर्रा फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ आज का टॉपिक्स लेके, जिसका नाम है सिग्नल राउटिंग इन प्रो टूल्स। तो चलिए देखते हैं। तो इस सेशन में जो आप ट्रैक्स को देख पा रहे हैं, ये गाने का ट्रैक्स है। ये गाना थोड़ा सा इस प्रकार है, अब देख लीजिए। गुमनाम जिंदगी अनजान रास्ते। तो सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है? सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे मतलब कोई इफेक्ट देना, उसको कंप्रेसर लगाना, इक्यूज देना, बहुत सारे सिग्नल प्रोसेसिंग होते हैं उसमें। लेकिन आज का जो टॉपिक्स है ये है सिग्नल राउटिंग इन प्रो टूल्स। मतलब प्रो टूल्स में जितने सारे ट्रैक्स आप यूज़ कर रहे हो, आप जब चाहते हो वन टाइम बाउंस कर सकते हो, एक मिक्स डन फाइल आता है। लेकिन जब आपको वन टाइम मतलब जब आप बाउंस कर रहे हो उसी टाइम आपको एक मिक्स डन ट्रैक निकलेगा, एक कैराओके ट्रैक निकलेगा और एक वोकल ट्रैक निकलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग जब प्रिंट करते हैं, तो बाउंस करते वक्त बाउंस करना और प्रिंट करना दोनों अलग होता है। तो जब हम लोग बाउंस करते हैं तो एक ही ट्रैक मतलब एक ही स्टूडियो ट्रैक, हो सकता है स्टूडियो या मोनो, आपका सेशन में जो सेटअप दे रखा है उसी हिसाब से बाउंस ट्रैक जो निकल रहा है तो एक ही ट्रैक निकलता है ना। लेकिन आज हम देखेंगे कि सिग्नल राउटिंग के जरिए हम वन टाइम मतलब एक ही बार जब हम लोग उस गाने को प्ले करेंगे तो बाउंस ट्रैक भी निकलेगा, मतलब मिक्स डाउन ट्रैक भी निकलेगा और एक कैराओके ट्रैक निकलेगा और एक मोनो वोकल या स्टीरियो वोकल ट्रैक निकलेगा। चलिए आज का जो सेशन है इसमें हम लोग निकलते हैं एक स्टीरियो मिक्स डाउन फाइल, एक स्टीरियो कैराओके फाइल और एक स्टीरियो वोकल फाइल। तो चलिए देखते हैं कि सिग्नल राउटिंग के ज़रिए हम लोग कैसे इसको प्रोसेस करते हैं। ये है हमारा जो प्रो टूल्स सेशन जो है, ये इस प्रो टूल्स सेशन में गाना सुनिए पहले। तो ये गाने में हम लोगों ने सिर्फ एक वोकल ट्रैक में एक ही रिवर्ब यूज़ किया, क्योंकि आज रिवर्ब डिले लेकर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं सिग्नल राउटिंग लेके। तो हम लोगों का जो मेन मकसद है कि ये तीन ट्रैक एक साथ निकालना। तो सबसे नीचे जो ट्रैक है आपका, मास्टर ट्रैक बोलिए या कोई भी ट्रैक हो, जो एंड ट्रैक है, जैसे कि यहाँ पे आपका रिवर्ब लिया है, इसके बगल में आपको तीन ट्रैक लेना पड़ेगा स्टूडियो ट्रैक, क्योंकि हमारा तीन फाइल चाहिए, एक मिक्स डाउन, एक कराओके और एक स्टूडियो फाइल, स्टूडियो वोकल फाइल। तो इसलिए हम लोग क्रिएट न्यू ट्रैक किया और काउंट नंबर 3 मोनो के जगह में स्टूडियो देंगे, ऑडियो ट्रैक कर देंगे इसको, ठीक है, ऑडियो ट्रैक कर दिए, तीन ऑडियो ट्रैक हो गया। इसका नेमिंग हम लोग कर देंगे, इसका नेमिंग कर देंगे मिक्स डाउन, एक मिक्स डाउन, दूसरा जो है ये रहेगा कैराओके, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं KRK। तो KRK मतलब कैराओके हो गया, और इसके बाद स्टूडियो वोकल, तो ST वोकल, ये तीन ट्रैक हमको चाहिए, ST वोकल हमको चाहिए, ठीक है। तो स्टीरियो वोकल ने सिर्फ बोला, लेकिन इसमें कोई रिवर्ब नहीं रहेगा, अगर रिवर्ब चाहते हो तो रिवर्ब डाल सकते हो, लेकिन स्टीरियो वोकल हमको चाहिए यहाँ पे विदाउट एनी इफेक्ट। लेकिन कैराओके ट्रैक चाहिए और साथ में हमको मिक्स डाउन चाहिए, जहाँ पे वोकल में रिवर्ब भी रहेगा। तो कैसे ले सकते हैं हम उसको? तो ये तीनों, ये जो तीन ट्रैक है इसको नेमिंग करने के बाद इसके बगल में आपको और तीन काउंट नंबर स्टीरियो ऑक्स ट्रैक लेना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कि ऑक्स ट्रैक को आप बहुत सारे काम पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग राउटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो क्रिएट कर दिया तो 6 हो गया यहाँ पे, 1 2 3।
अभी ऑक्स ट्रैक नंबर वन इसका इनपुट ले लीजिएगा, कोई भी बास, जो बास खाली है मान लीजिए 7/8 स्टीरियो, इसके बाद ऑक्स टू में हम ले लेंगे 7/8 की जगह 9/10, तो 7/8 हो गया ऑक्स वन, 9/10 हो गया ऑक्स टू, और ऑक्स थ्री में हम लोग ले लेंगे जैसे कि 11/12 बास। लेकिन याद रखिएगा आपको बास ही लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। अभी ऑक्स नंबर वन जो है ये है मिक्स डाउन ट्रैक के लिए, मिक्स ऑक्स, इसको आप नेमिंग भी कर सकते हैं मिक्स ऑक्स बोल के। अभी जो हम लोग कर रहे हैं मिक्स ऑक्स या ऑक्स नंबर वन, ये जाएगा मिक्स डाउन के लिए। तो ऑक्स नंबर वन जो है इसका इनपुट है बास नंबर 7/8, और आउटपुट क्या देंगे हम, जो बास खाली है। देखिए यहाँ पे बास खाली कौन सा है, मान लीजिए कि 11/12 हमने बास ले लिया ऑलरेडी, 13/14 ये ले लिया हम लोगों ने, 13/14, और ये जो 13/14 हमने इसका आउटपुट ले लिया, मतलब जिसका इनपुट है 7/8 और आउटपुट है 13/14, इसको हम सिग्नल को थ्रो करते हैं कहाँ पे, मिक्स डाउन पे। जैसे कि इसका इनपुट कर दिया हमने वही वाला जो जो 13 था, याद रखिए इसका जो ऑक्स का जो आउटपुट था बस 13/14, वही बस 13/14 मिक्स डाउन का इनपुट होगा 13/14, ठीक है। तो 13/14 से सिग्नल निकल रहा है और वो जाके आ रहा है मिक्स डाउन ट्रैक पे। अभी ऑक्स नंबर वन जो है इसका बास नंबर 7/8 जो है, 7/8 को हम यहाँ पे जितने सारे ट्रैक्स हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 7/8 वोकल पे जाएंगे, 7/8 लिया था, 7/8 इसमें डाल दिया, आप चाहे 7 भी कर सकते हो लेकिन अलग टाइम पे, उसके लिए अलग सिस्टम है, 7/8 डाल दिया, और इसका पैलेट को हम ऑल्ट क्लिक करके 0 में डाल देंगे। तो इसमें जो लेवल जा रहा है सेम लेवल ऑक्स नंबर वन पे आ रहा है, और वही सिग्नल बास नंबर 13/14 होके कहाँ पे आ रहा है, मिक्स डाउन पे आ रहा है, क्लियर हो गया। इसके बाद सेम जो है इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कैसे कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो ट्रैक हमने लिया है ये ट्रैक सब में जाएगा, मतलब ये जो ऑक्स ट्रैक का जो इनपुट हमने यहाँ पे सेट किया है 7/8, ये 7/8 सब में जाएगा क्योंकि ये मिक्स डाउन हो रहा है। तो 7/8 जो जा रहा है इसका सबका इनपुट हम और कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऑल दबा के हम इसको कॉपी कर रहे हैं, सब में कॉपी करेंगे जितने सारे ट्रैक्स हैं। आप देखिए इसका जो मास्टर ट्रैक है उसमें नहीं जाएंगे, और इसका जो रिवर्ब ट्रैक है इसमें भी 7/8 देंगे, क्योंकि रिवर्ब फंक्शन भी, रिवर्ब का जो सिग्नल है वो भी ऑक्स ट्रैक में आएगा, और वोकल में जो रिवर्ब प्रोसेस हो रहा है सेम रिवर्ब उसके साथ प्रोसेस होने के बाद वो भी मिक्स डाउन ट्रैक जो है इसके अंदर इनपुट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, ये जो हमने इसका जो ऑक्स ट्रैक जो है, ऑक्स ट्रैक वन जो लिया है इसका इनपुट लिया था 7/8 बास, 7/8 जो बास हमने लिया है 7/8 बास को हम जितने सारे ट्रैक्स यहाँ पे थे सब में डाल दिया, इंक्लूडिंग द रिवर्ब, क्योंकि रिवर्ब भी चाहिए वोकल में, तो रिवर्ब हमने डाल दिया। तो पूरा के पूरा ट्रैक का जो आउटपुट है ये ऑक्स नंबर ट्रैक वन होके जा रहा है, और इसका आउटपुट दे रहा है 13/14, जो 13/14 यहाँ से निकल रहा है वही सिग्नल इसका इनपुट हुआ है मिक्स डाउन ट्रैक का बस नंबर 13/14 में, अभी वो चैनल 1/2 के मास्टर पे निकल रहा है। तो ये बन गया पूरा आपका मिक्स डाउन ट्रैक का राउटिंग बन गया यहाँ पे। अभी हमको कैरो के लेना है, तो कैरो के लिए हमने क्या करेंगे, एक अलग ट्रैक ले सकते हैं कैरो के, कैरो के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी ऑक्स ट्रैक ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कोई जो कैरो का ट्रैक है इसके लिए हम कोई बास लेते हैं, कोई बास लेंगे हम 13/14, मान लीजिए कि 15/16 लिया, तो 15/16 बास में जो सिग्नल आएगा वो कैराओके बन जाएगा, मतलब कैराओके ट्रैक में इनपुट होगा, प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या है 15/16 लिया है, तो 15/16 सब में देंगे, जैसे कि सिर्फ वोकल में नहीं देंगे क्योंकि कैराओके ट्रैक में वोकल नहीं रहता। तो चलिए 15/16 वोकल में देते हैं, 15/16 था बास नंबर 15/16 बास नंबर था, सेम पैलेट आ गया, फिर इसको ऑल्ट दबा के क्लिक करने से जीरो में आ जाता है ये, और 15/16 अभी सब में हम पुट कर देंगे, ऐसे करके हम एक एक करके खींचेंगे, ऑल्ट दबा के खींचेंगे तो कॉपी हो जाएगा 100%, सिर्फ ये वो जो वोकल का जो रिवर्ब है उसमें नहीं जाएगा,
तो बाकी सब में आएगा, बाकी सब में ऑलरेडी आ गया है। इसको कॉपी करने का मतलब क्या है, इसका देखिए पैलेट जीरो में है तो इसको क्लिक कीजिए, ये भी जीरो में है। अभी यहाँ पे आके आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब स्टूडियो फाइल में दे रहे थे उसको, जैसे कि 3-4 हमने उस टाइम लिया था, सॉरी 7-8 लिया था, तो 7-8 यहाँ पे सेंटर पे है पैन, बाकी जगह में जो मोनो ट्रैक है सेंटर में आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हर एक का जो सेंटर पैन जो है ये लेफ्ट एक्सट्रीम राइट है, इसलिए है क्योंकि स्टूडियो ट्रैक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मोनो ट्रैक आ गया, मोनो ट्रैक आ गया। स्टीरियो के आने के बाद जब मोनो ट्रैक में आएंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में आ जाता है, तो इसको क्लिक करके सीधा कर दीजिए। तो आपको एक बार चेक करना चाहिए, सब ट्रैक को देने के बाद एक बार चेक करना चाहिए, आपको चेक कर लीजिए ये भी मोनो लेफ्ट हो गया। चेक करते हैं, इसको भी देखिए सेम जा रहा है, इसको भी दीजिए, और ये था आपका स्टूडियो लेफ्ट एंड राइट पैन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये भी इसको भी एक बार चेक कर लेंगे, ये सेंटर में था, उसके बगल वाला जो है वो है स्टूडियो में, बाकी जो है ऑटोमेटिक लेफ्ट में आ गया, इसको भी हम सेंटर में डालेंगे, सेंटर कर दिए, सेंटर कर देते हैं, ऑल क्लिक दबाने से सब सेंटर हो जाता है, वन बाई वन हम उसको सेंटर में डाल देते हैं, सेंटर में आ गया। तो कैराओके ट्रैक का जो राउटिंग है, सिग्नल प्रोसेसिंग जो राउटिंग था वो ऑटोमेटिकली इसमें सेट हो गया है, आप फिट कर लिया। अब इसके साथ आपको क्या करना है, स्टीरियो वोकल करना है, तो स्टीरियो वोकल के लिए आप ये वाला जो आप ऑक्स जो 3 है इसको ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्स 2 का अभी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ऑक्स 2 हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ऑक्स 1 हो गया मिक्सर के लिए, कैराओके तो डायरेक्ट बास के जरिए हम लोग कर ही लिया यहाँ पे, और जो ऑक्स 3 है इसको हम कैराओके स्टूडियो वोकल के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इसका इनपुट है देखिए बास नंबर 11-12 है ना, 11-12 बास हमने लिया है, यहाँ पे देखिए 11-12 है, तो इसका भी आउटपुट हम लोग देंगे बास का, जो बास खाली है 17-18 जो स्टीरियो वोकल ट्रैक था इसके लिए हम इसको आउटपुट करेंगे। तो इसका इंटरफेस नहीं है, बास जो आएगा 17-18 लिया था, 17-18 यह देखिएगा 17-18 इसका आउटपुट है, तो वो 17-18 इसका इनपुट भी हो गया। तो जब ये क्लियर हो जाता है आपको बाकी जो है ऑक्स 1 एंड ऑक्स 2, तो ये इसका ये हो गया आपका मिक्सडम के लिए, कैराओके तो हमने डायरेक्टली आपको दिखा दिया विदाउट एनी ऑक्स ट्रैक लेके हम ले सकते हैं, और स्टीरियो वोकल के लिए हम लोगों ने एक ऑक्स ट्रैक लिया है। अभी इसको क्या करेंगे, सिर्फ वोकल में डालेंगे, कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालना है, कौन सा बस डालना है, इसका इनपुट क्या है, जो ऑक्स 3 है इसका इनपुट क्या है, ऑक्स 3 का इनपुट है 11-12, तो ये 11-12 यहाँ पे आएगा इनपुट में, जो इसका 11-12 इसका आउटपुट देगा। तो 11-12 जैसे आएगा ये ऑटोमेटिक सेंटर होता है, इसको आप क्लिक कर दीजिए तो सेंटर में आएंगे। ये जो 11-12 है ये किसी में जाएगा नहीं, सिर्फ ये वोकल से सिग्नल आपको देगा। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनमिक्स मोटरिंग चालू कर सकते हैं। तो इनमिक्स मोटरिंग चालू करने के लिए आपको कमांड दबाना पड़ता है ऑल्ट के, जैसे आप दबाएंगे तो आपको इनमिक्स मोटरिंग देगा वो, आप इसको प्लेबैक करके एक बार देख लीजिए सिग्नल ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नल ठीक ठाक आ रहा है, आप इसमें जाइए यहाँ पे देखिएगा इस ट्रैक में हम क्या करेंगे, अभी रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड कमांड दबा देते हैं हम, देखिए अब देखिए एक चीज यहाँ पे, अभी इसको हम इनमिक्स मोटरिंग ऑफ कर देंगे, ऑफ करने के बाद इसको हम सोलो सुनेंगे, मिक्स डाउन को सोलो सुनते हैं। ये ट्रैक जो है, इस ट्रैक मिक्स डाउन ट्रैक में आपका वोकल है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट भी है, और वोकल के साथ रिवर्ब भी आपको इफेक्ट दे रहा है। दूसरा जो है कैराओके ट्रैक, उसमें देखिए सिर्फ वोकल छोड़ के बाकी सब कुछ है, ये वाला ट्रैक ठीक है।
तीसरा जो ट्रैक है उसको सोलो कीजिए, मतलब जो स्टूडियो वोकल है उसको प्लेबैक करते हैं हम। गुमनाम जिंदगी, देखिए कोई रिवर्ब नहीं है। अनजान रास्ते है जो वही बस। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप वन टाइम गाना को प्लेबैक करेंगे तो तीन टाइप का ट्रैक को आप निकल सकते हैं। एक तो मिक्स डाउन है, एक कैराओके है, एक स्टूडियो आपका वोकल है, जो क्योंकि हम पहले जो वोकल हमने लिए थे वो मोनो वोकल था। देखिए ये वोकल ट्रैक जो है ये मोनो वोकल था, ये ट्रैक मोनो वोकल था, लेकिन हमने क्या निकाला उसका स्टूडियो वर्सन निकल दिया यहाँ पे। तो ऐसे करके आप इसको निकल सकते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों सिग्नल राउटिंग इन प्रो टूल्स। तो आप इस तरह से कर सकते हैं उसको। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग सेशन देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नया टॉपिक्स लेके, तब तक के लिए नमस्कार।